अब देख रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो। तो वहीं आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी में भी यहां पर जनता का जोश कम कम होते दिखाई नहीं दिया है, काफी तादाद में समर्थक उनके साथ रहे। तो वहीं इस दौरान हमारे जन टीवी संवाददाता दशरथ सिंह ने ज्योति खंडेलवाल, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो निकाला जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हमारे साथ मौजूद है। पांडे साहब, जयपुर में प्यार मिल रहा है ज्योति खंडेलवाल को, आपके आए हो? ये बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत उत्साह का माहौल है। पूरा जयपुर आज आप देख रहे हैं कि इस यात्रा में शामिल हुआ है। जिस प्रकार से हर बाजारों में रौनक और लोगों ने सजावट स्वागत भी किया है, मैं अपनी कृतज्ञता और अपना आभार व्यक्त करता हूँ जयपुर की जनता के प्रति। जो प्यार, जो अपनापन और प्रेम हमने हमारी बहन ज्योति खंडेलवाल पर दर्शाया है, वो निश्चित रूप से ये बतलाता है कि 6 तारीख को ज्योति जी को अपना पूर्ण आशीर्वाद दें। ज्योति खंडेलवाल मेयर रही है, दोबारा प्यार भी प्रेम सारी नजर आती है। निश्चित रूप से ज्योति जी एक बहुत ही सुशिक्षित और सुशील महिला में से है। पिछले दिनों मेयर रहकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का वहन बहुत जिम्मेदारी से पूरे किया हुआ है। लोगों में उनके प्रति प्रेम है, आदर है, और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में लोगों का विश्वास और प्यार हासिल करने की। ये भी एक कला होती है। और जिस प्रकार से जयपुर की बेटी, जयपुर की बहू समझकर हर व्यक्ति अपना आशीर्वाद दे रहा है, अपनी बहन समझकर, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ से अगर देखेंगे तो कई क्षेत्र तक के लोग जनता ये अपना पांडे जी का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग ज्योति को प्यार दे रहे हैं। मैडम, मैं ज्योति खंडेलवाल दोबारा जयपुर के मैदान में, एक बार मेयर बनी थी, दोबारा मैदान में लोकसभा की, कितनी उम्मीद है, कितना प्यार, कितना विश्वास, जयपुर की जीत, कांग्रेस जीते, सीट कांग्रेस जीतेगी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा जयपुर में वादों की अगर बात करें, मेयर के टाइम आपने कुछ वादे पूरे किए, ऐसे कौन से वादे हैं जो निभाएंगे? उनका विकास पहली प्राथमिकता, जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज बनना दूसरी प्राथमिकता, महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाना तीसरी प्राथमिकता, पुराने पेयजल स्रोतों को दोबारा पुनर्जीवित करना चौथी प्राथमिकता, और सबसे बड़ी प्राथमिकता की जयपुर को मुझ पर विश्वास रहे और मुझे जयपुर के साथ आशीर्वाद मिलता है। ज्योति खंडेलवाल जो कह रही है कि प्यार आशीर्वाद जो मेयर के टाइम मिला, ठीक वैसा ही प्यार इस बार भी मिलेगा और वो यहाँ से सांसद बनेंगी। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ दशरथ सिंह।